वेलकम बैक नाज़रीन। आज से तकरीबन दो दहाइयां कबल 12 अक्टूबर 1999 मसला उस वक्त भी एक तैनाती का था, अपॉइंटमेंट का था, और फिर एक त्यारा हाईजैकिंग केस बना। उस त्यारा हाईजैकिंग केस में जो कॉकपिट में कुछ कन्वर्सेशन हुई थी वो आपको सुनाते हैं, जिसके बाद तारीख में एक नया सफ़ा, एक नया पलरा उसमें बाकायदा तौर पर लिखी गई, नई तारीख लिखी गई। वो कन्वर्सेशन क्या है आइए देखते हैं। सर आवाज बोल रहा हूँ। जी सर। सर जनरल साहब यहाँ है, 805 मस्ट लैंड है सर, आप इनसे बात करें। हेलो 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 हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? अकील बोल रहा हूँ, अकील में जनरल इफ्तिखार बोल रहा हूँ। जी सर, सारे जहाज को आप डायरेक्ट इसको कराची एटीसी के साथ शुरू कर दें। एटीसी को कॉन्टेक्ट कर लो क्या सर? राइटर ऑन एयरक्राफ्ट ही विल बी गाइडेड बाय द एटीसी इन कराची। Right sir, but he is saying that he is planning and he said I will let you know. You just tell the pilot to get directly in touch with ADC Karachi. Request on 805, I'm getting you in climbing series out of 120, request intention. Hello? Hello? Sir, thank you, nahi kar raha hai sir. He said ki I'm trying to save fuel, I'm going up, so I have very little fuel. So he is out of already 120. Sir, ye toh koi baat nahi bani na, he must land here, land kyun nahi kar raha hai? Usko keh rahe wapas aur wo nahi aa raha. Turn left heading 240, vectoring for Karachi for landing. You are hereby directed to please land in Karachi Airport. The Karachi control tower will guide you. There is no need to divert anywhere. Is that clear? अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूक जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।